हरे कृष्ण। अभी भगवान की स्तुति, यानी इधर भगवान की जो भगवान ने जो बताया है उसका चल रहा है। भगवान ने क्या क्या बताया, एक कहाँ से शुरू होता है, 50 श्लोक संख्या 50 से श्री भगवान वाच, भगवान द्वारा बोला गया है। 50 से 54 तक भगवान हुआ चाहिए, सब भगवान ने बोला हुआ है, ये 50 से 54। अभी हम लोग सुनते आए हैं 50 श्लोक में, 51 श्लोक ये है। स्थिति सबको मालूम है, जब ये नंदीश्वर दक्ष का सब यज्ञ कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, ब्रह्मा सहित सभी देवता शिव जी को प्रसन्न करते हैं, शिव जी आके सब जो जो अस्त व्यस्त हुआ था उसको सब ठीक करते हैं, जो दक्ष को बकरी का मुंह लगा देते हैं, जिनका जो दांत निकल गया था उनको दूसरे भक्तों के दांत से खाने का मुंह, ये सब जो जो जिनका जिनका जो नष्ट भ्रष्ट हुआ था वो सब बराबर ठीक करके वापस सब जो यज्ञ स्थल था उसको सब भक्त लोग सब शुचीभूत करके वापस यज्ञ शुरू करते, यज्ञ शुरू करते हैं। जब ब्राह्मण सब इतने दक्ष ब्राह्मण थे वो लोग सब यज्ञ के कार्य को शुभ शुभारंभ करते, और दक्ष प्रजापति को जब भी उनको बकरी के सिर मिलता है तो वो तुरंत होश में आ जाते हैं ना, और जो मरा पड़ा होता तो उसको शिव जी की कृपा से बकरी का सर लगा देते हैं तो तुरंत उसको हो जाके नींद में सोया हुआ जागता है, ऐसे उठ जाता है और सामने शिव जी को देखते हैं, वो ऐसे पश्चाताप करता है ना, उसका पश्चाताप उसे ये हो के वो उन्होंने अपना गलती सब ये करता है, गलती को बताता है, मुझे क्षमा कर दो, आपकी कृपा से मुझे इतना तो मिला, नहीं तो नरक में जाने वाला था मैं, अपने मुझे बकरी का सिर लगा के मेरा उद्धार किया अपने, यानी भगवान हम लोग देख सकते हैं ना जो भगवान का कितना कृपा रहता है भक्तों के ऊपर, कितने कृपा रहते। उसके बाद सब दक्ष प्रजापति की स्तुति, ब्राह्मणों की स्तुति, देवताओं की स्तुति, सब 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 ब्राह्मण पत्नियों की स्तुति, दक्ष प्रजापति के पत्नी की स्तुति, सब सब हो जाता है। उसके बाद भगवान जो यज्ञ से प्रसन्न हुए थे और उनको उन सबको आशीर्वाद देते हुए ये वचन बोलते हैं, जो मेन है, ये जो भगवान वाच जो है ना, ये मेन है, पूरा सार इसमें छुपा है। ऐसा श्लोक संख्या 50 में भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत का परम कारण है, मैं परमात्मा स्वयं साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। 50 श्लोक में बोला है, ब्रह्मा शिव इस दृश्य जगत के परम कारण है, इस दृश्य जगत के परम कारण, इसके लिए मैं ही साक्षी हूँ, मेरे द्वारा ही ये भौतिक जगत के कार्य करने के लिए मैंने ही उनको निमित किया है। फिर निर्गुण और निराकार, निर्गुण और निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा विष्णु में कोई अंतर नहीं है करके ये बोले। फिर 51 में बोल रहे हैं, हे द्विज, मैं आदि श्री भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम। इधर स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं, मैं आदि भगवान, भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं और ईशोपनिषद ब्रह्म संहिता सभी में भगवान हम आदि ब्रह्मानं करके बोलते हैं, मैं सभी देवी देवताओं का आदि हूँ और ये भौतिक सृष्टि के में कार्य करने के लिए, भौतिक सृष्टि की
रचना करना, पालन करना, संहार करना, इस कार्य के लिए मैंने इनको नियुक्त किया। भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ, और ये कार्य अलग 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 कोटि के होते हैं। इस अलग अलग कोटि के अनुसार उनका भिन्न भिन्न नाम। अभी इधर 52 श्लोक में बंद कर रहे हैं। भगवान ने आगे कहा, जिसे अनुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या यह भी सोचता है कि वो जीवात्माएं भी स्वतंत्र। जब हम लोग भौतिक देखते इसमें देखते सभी जीव तो परमात्मा के अंश है। भगवान पूर्ण है और भगवान पूर्ण के अंश है हम लोग। ये बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से भी कितना भी निकलता है वो भी पूर्ण है, ओम उसमें से कम नहीं हो जाए। इसीलिए हम लोग देखते जीव जो भगवान का ही अंश है। भगवान समुद्र है और भगवान ये समुद्र का एक ड्रॉप, एक बिंदु जीव। भगवान पूर्ण है, हम लोग छोटे से अणु और विभु। भगवान पूर्ण है और एक हम लोग अणु, गुण में सेम है। भगवान के अंदर जो सच्चित आनंद का गुण स्वरूप है और जीव में भी वही गुण। देवी देवता भगवान बता रहे ना, मैं नहीं पुरुषावतार में आता हूँ। पुरुषावतार में आके जब ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ और मेरे नाभि से ब्रह्मा जी का यानी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। ब्रह्मा जी से बता रहे ना, ब्रह्मा जी से एक चींटी तक सभी जीव जीव। भगवान बता रहे, मैंने ही ब्रह्मा का उत्पत्ति किया और ब्रह्मा जी को, भगवान ने ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया और ब्रह्मा जी देखते ऊपर से नीचे तक। भगवान का वो कमलनाल का ऊपर से नीचे 14 लोक था उसके अंदर, कमलनाल के अंदर ऊपर जाते हैं नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, उनको क्या करने का कुछ करने का समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर पानी पानी तूफान, ऐसा इधर कमल दल कमल फूल हिल रहा है, तो उनको ऐसा आवाज आता है, तप 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 तप, तुरंत ब्रह्मा जी तपश्चर्या करते। तपश्चर्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सब गोलोक धाम दिखता है और भगवान उनको सृष्टि करने के लिए सब बता क्या क्या कर। नहीं, जो ब्रह्मा जी का सृष्टि में हम लोग सब जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो भगवान की खुशी के निमित्त है। वह सृष्टि किया है हर एक चीज भगवान की खुशी के। ब्रह्मा से हम लोग देखते हैं ना, ब्रह्मा जी से रुद्र और देवी देवता सब 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 बाद में उत्पन्न हुए। हम लोग सोचते हैं भौतिक भौतिक दुनिया में हम लोग अज्ञानी है, इधर बता रहे इसके अनुवाद में बता रहे, क्योंकि हम लोग को समुचित ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझते हैं और ये भी सोचते हैं हम जीव भी स्वतंत्र। मगर कैसे है, जो बैलगाड़ी बैलगाड़ी में जो बैलगाड़ी का मालिक बैठा हुआ रहता है और दोनों बैलों को नाक में रस्सी डाला हुआ रहता है और वो रस्सी को वो मालिक पकड़ा हुआ रहता है, मालिक, और वो बैल को हांकते लेके जाते, वो बैल को लेके जा रहे कहाँ जाना है वो लेके जा रहे। मर बैल अपने मन से इधर उधर नहीं जाता है, उसको विश्वास है मेरा मालिक मुझे पूरा
मेरा रक्षा करेगा, मेरा मालिक मुझे पूरा मेरा देखभाल करेगा। वो विश्वास है, जो मालिक ने रस्सी पकड़ा है उसका रस्सी पकड़ा, वो बैल इधर उधर नहीं जा सकता, और बैल को पूरा विश्वास है मेरा मालिक मुझे भरपूर खाना देगा, मेरा रक्षा करेगा, ये मालिक करेगा करके उसको विश्वास। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो भी देवी देवता सभी है, तो भगवान का वो भी एक एक शक्ति प्रदत्त जीव है, उनके अंदर स्वतंत्रता नहीं, सभी को भगवान ने रस्सी डाल के पकड़ा हुआ है। भगवान के आज्ञा के अनुसार ही हम लोग देखते हैं ना, सूर्य सुबह उगता है, चंद्रमा आता है, ऋतु नक्षत्र मास तिथि सब 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 भगवान के आज्ञा से ही। एक दिन सूर्य उगना बंद नहीं करता, तो एक दिन ऋतु ये अपना काम करना बंद नहीं करता, इवन हवा हम लोग देखते हैं ना भागवतम ने, हवा भी भगवान के आज्ञा से बह रहा है, सब लोग सभी भगवान के इच्छा से कार्य कर, कोई दर स्वतंत्र नहीं है। हम लोग बद्ध जीव ऐसे देखे तो हम जीव जीवात्मा शुद्ध ज्ञान से पूर्ण है, शुद्ध ज्ञान से पूर्ण और भगवान के अधीनस्थ है जीवात्मा, मगर हम लोग इधर प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर आके हमारा ज्ञान को हम लोग क्या कर दिया है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया, और ये बौद्धिक चकाचौंध इंद्रिय तृप्ति को ही हम लोग मुख्य समझ के जो भगवान को हम लोग भूल चुके। पर देवी देवता लोग भगवान को भूले नहीं, हो लो, वो लोग हमेशा उनका डर रहता है भगवान का हम लोग को सेवा करना है इसे, मगर वो लोग हमेशा तत्पर रहते भगवान की सेवा, उनको कुछ भी कष्ट आता है तो वो तुरंत जाते क्षीर सागर में जाके विष्णु की स्तुति करते, परमेश्वर से अपने तकलीफ को बताते, और परमेश्वर उनको परमात्मा उनको उनके जो संकट है उसको दूर करते। हम लोग देखते हैं ना भागवतम में हम लोग कितने स्टोरी हम लोग अभी पढ़ा है, उसमें सब में हम लोग देखते हैं, जब भी भगवान का अवतार होने के पहले भी पृथ्वी माता दुखी होके ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा शिव सब लोग मिलके क्षीर सागर के तट पे जाके वो लोग पुरुष सूक्ति प्रार्थना करते हैं और भगवान को तुष्टि के लिए भजन कीर्तन करते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष होके भगवान बताते हैं उनको, देखो मैं अभी आने वाला हूँ, आप लोग सब जाके वृंदावन में मेरे लीला के लिए आप लोग अलग 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 जगह में अलग अलग स्थान में आप उधर रहिए करके भगवान बताते। हम लोग भागवत 10 कैंट में हम लोग पढ़ते, इसी तरह हम लोग जो बद्धात्मा, हम लोग जो बद्धात्मा है, हम लोग कारागृह में रहने वाले, पर ये हम लोग बड़े डिग्री होल्डर हो रहने तो कुछ भी भाई, मगर हम लोग कारागृह में रहने वाले, और कारागृह की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हम लोग को अपने त्रिशूल से सताती है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट देते देते देते, सुधरो सुधरो सुधरो, हम लोग को भला कितने भी कष्ट होता है, कितने भी तकलीफ होता है, कितने भी दुख है, हम लोग उसी में सुखी ढूंढते, हाँ हम लोग सुखी है सुखी है सुखी, मगर हम लोग इससे बाहर निकलने का नहीं सोचते, वही भगवान वही बोल रहे, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्गा, मेरे ही आज्ञा से काम करने वाली मेरी शक्ति है दुर्गा, अगर माम एव, भगवान ये भी बता रहे माम एव प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति, भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, अलग 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 रूप से भगवान बोल रहे मुझे, मेरे शरण में आ जाओ मेरे शरण में आ जाओ मेरे शरण, पर हम लोग मूर्ख लोग इस बद्धावस्था में उसको ही सुख मान के इधर ही सड़ रहे। देवी देवता लोग भगवान का ऐसे स्तुति करते प्रार्थना करते, इंद्र का हम लोग स्टोरी देखते ना अभी, एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं, शिव जी के भक्त जो आता है भागवत में कथा आती है,
शिवजी के भक्त भस्मासुर, भस्मासुर था, वो इतना तपश्चर्या कर रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, इतना तपश्चर्या कर रहा था। शिव जी को मालूम था ये असुर लोग गलत ही मांगते करके, वो प्रत्यक्ष नहीं होते, फिर भी वो अपना शरीर का मांस काट के काट के काट के यज्ञ में डालता है, फिर बाद में शिव जी को प्रत्यक्ष होना ही पड़ता। शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं, मांगो किसके लिए तपश्चर्या कर रहे हो, मांगो। वो तो क्या बोलता है भस्मासुर, मुझे ऐसा वर दे जो मैं किसी के सर में हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाना है। तो शिव जी को तथास्तु बोलना ही पड़ा, क्योंकि वो उनके लिए तपश्चर्या करते हैं, वो मांगो बोलते। फिर तुरंत वो भस्मासुर ने क्या किया, शिव जी के सर पे हाथ रखने, मुझे टेस्ट करना है आपका वर जो है सच्चे है झूठे, पर टेस्ट करने के लिए शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए भाग। तो शिव जी डर के सब जगह भागते 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 भगवान में वैकुंठ लोक में विष्णु के पास जाते, तो विष्णु तुरंत एक मोहिनी सुंदर स्त्री के रूप में आ जाते, और सुंदर स्त्री के रूप में वो भस्मासुर के सामने आते। असुर लोगों को यही ना स्त्री मद्यपान यही उन लोगों को आकर्षित करता है, वो स्त्री सुंदर स्त्री को देखते वो भस्मासुर मोहित हो जाते, और वो क्या करती है ऐसे डांस करती है, डांस करती है उनके सामने, नाचती है नाचती है नाचती है नाचते नाचते नाचते, वो क्या वो भस्मासुर भी वो कैसे नाच रहे वैसे वो भी नाचता है। तो वो क्या करती है वो अपने सर पे हाथ रख लेती है, तो वो नरकासुर भी अपने सर पे हाथ रख ले, तो तुरंत वो भस्म हो जाए। ये हम लोग देखते रावण रहने दो और नरकासुर अलग 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 राक्षसों को हम लोग देखते, वो लोग वर मांग लेते हैं कैसे, ऐसे साधारण तपश्चर्या से शिव जी ये नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम रहता है ये लोग असुर लोग गलत ही मांगे करके मालूम पड़ता है, फिर वो प्रत्यक्ष नहीं होते, तो अपना सर काट के रावण ने भी अपना सर काट के अग्नि में डालता है, तो उनको प्रत्यक्ष होना पड़ता है। हाँ इधर हम लोग देखते ये जो नहीं, असुर लोग जो रहते हैं वो कैसे वर मांगते, इधर भगवान बता रहे हैं ना, द्वाविमो पुरुषो लोक एक क्षरक्षाक्षर, दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक सुर और दो असुर। सुर जो रहते हैं वो हमेशा भगवान का सेवा में लगा रहते, असुर लोग जो रहते हैं वो सब बाधा बना करने वाले रहते ऐसे हमेशा असुर लोग तंग करते ही रहने तंग करते ही रहेंगे, जो भी अभी हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते हैं जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उधर कुछ ना कुछ रुकावट ला के चलते। अब प्रभुपाद जी का हम लोग जीवन प्रभुपाद लीला में भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते प्रभुपाद जी ने इतने तकलीफ उठाए पाश्चात्य देश में जाके इतना प्रचार करने के लिए, उन्होंने इतना तकलीफ उठाया किसके लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए। हाँ उनको खुद का कुछ अभिलाषा ही नहीं था, अन्य अभिलाषिता शून्य, वो सिर्फ पूरा सभी को भगवान का भक्त बनाना चाहते सभी वो, क्योंकि उनकी गुरु महाराज की आज्ञा थी, गुरु महाराज का आज्ञा चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को ही उन्होंने पूरा करने को, नगर अधिग्रहण सर्वत्र हो, तो शहर गांव गांव में सब ले रहे नाम होना चाहिए करने, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, और उनके शुद्ध भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को आशीर्वाद देके उनको बताया आप करो, तो सिर्फ गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने कितना कठिन कष्ट उठाया उन्होंने, देखते हैं हम लोग प्रभुपाद लीलामृत सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, उसमें इतने सुंदर ढंग से लिखा है, यानी हम लोगों के उद्धार के लिए, हम लोगों के लिए प्रभुपाद ने कितने कष्ट उठा के तो ये इतने सारे मंदिर बनाया, एक-एक वो जो हिप्पी लोग थे जो उन लोग वो, मगर वो हिप्पी लोग भी प्रभुपाद जी की एक-एक आज्ञा को ऐसे करते थे, वो लोग पालन करते थे ये आश्चर्य हो जाता,
प्रभुपाद क्या बोलेंगे वैसा ही करेंगे। प्रभुपाद जी के इच्छा के अलावा कुछ नहीं करते। इसके लिए उन्होंने इतनी महान भक्ति में आगे बढ़े हुए और सारे विश्व भर में प्रचार कर रहे। प्रभुपाद जी बोलते मेरे भगवान की सेवा करने के लिए भले ही मुझे कष्ट होने दो, मगर भगवान का सेवा करना है, भगवान की खुशी करना है, तो हम लोग को सर्वस्व को निचावर करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में और बॉम्बे में मायापुर में जब भी मंदिर बनवाए, तभी वो भक्त लोगों को कितना तकलीफ होता था। मैं वृंदावन में एक भक्त आके प्रभुपाद जी से बोलने लगा, प्रभुपाद मेरा चैंटिंग बराबर नहीं हो रहा है, मेरा पढ़ने का बराबर नहीं, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी ने एक सेवा में लगाए थे, क्योंकि मंदिर का जो स्थापना करना था वो सिर्फ जमीन था उधर देखरेख करने का, कोई उधर आके ये नहीं करने का, जो जो उधर जो है वो देखने के लिए उनको रखा था। फिर उसने आके प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद मेरे चैंटिंग नहीं, इधर वो लोगों को देखो, इनको करो, इनका सब ये करने थे, देखते देखने के लिए मुझे चैंटिंग मेरा बराबर नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं ध्यान नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने बोला, तुम किसके लिए कर रहे हो? भगवान के मंदिर भगवान के लिए कर रहे हो ना, तुम जो भी कर रहे हो वो भगवान की खुशी कर रहे करो, वो भी एक तपस्या। भगवान की खुशी के लिए हम लोग जो भी कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, वही तपस्या बन जाता है। इधर बॉम्बे मंदिर में जिन जो लोगों ने कितना तकलीफ उठाया, वो भी हम लोग माता जी को बुक है ना वो पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं। वो लोग को इसे छोटा सा टेंट बना के रख के वो उधर रहते थे, उधर चूहा कभी कभी सांप भी आता था, चूहा भी कितने तकलीफ से मच्छर से वो लोग रहते थे, फिर भी प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी के आगे आज्ञा है, वो लोग बहुत तंग आ गए थे बहुत, क्योंकि ऐसे जगह में कैसे हम लोग रहते, वो ऐशा आराम से रहने वाले पाश्चात्य देश के जो भक्त है वो लोग ऐशा आराम से, और इधर आके उन्होंने कितना कष्ट उठाया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी की इच्छा है ने क्या है, वही भगवान की इच्छा। भगवान का जो शुद्ध भक्त है और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम लोग भागवतम में देखा है ना, भगवान बोलता है मेरे हृदय में मेरा भक्त रहता है, और भक्त बोलता है मेरे अंदर भगवान है, और भक्त और भगवान के बीच में ऐसा होड़ लगता है, प्रेम का होड़ रहता है। वही प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो लोग इतना मेहनत इतना कष्ट उठा रहे थे, फिर इतना कष्ट उठाने का भगवान उनके सहायता करते हैं, और भगवान ऐसे सहायता करते हैं उन लोग को, मन पड़ा रही ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। आज हम लोग इतना सुंदर मंदिर को हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे ना तकलीफ उठाया वो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। इधर इंद्र का भी हम लोग देखते हैं, इंद्र भी अपने आप को स्वतंत्र मानता है, मेरे लिए लोग यज्ञ कर रहे, मैं ही बारिश का देवता हूँ, मैं ही बारिश गिराने वाला हूँ, बारिश के अन्ना बहुत पर अन्नात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात यज्ञात यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवा। यज्ञ करने से बारिश आएगा, बारिश से अन्न धान चावल गेहूं सब अच्छा उगेगा, और उसको उगने से हम लोग सब संतुष्ट रहेंगे। ये मैं ही बारिश का मालिक हूँ, मैं ही बारिश बना, मैंने बारिश नहीं कराएगा तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसे अहंकार आएगा था इंद्र को। तो भगवान देखते हैं किसी के अंदर थोड़ा भी अहंकार आ गया, तुरंत भगवान उसे इसको नष्ट कर, तुरंत भगवान इंद्र के पूजा को रोक के, छोटे भगवान कितने छोटे थे, 7 बरस के थे, अपने पिताजी को बोलते हैं बाबा इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं है, हमें गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन का पूजा करने का है। तो ब्रजवासी सब लोग भगवान का ही वचन को
पालन करते थे वो लोग, दूसरे किसी देवी देवताओं से प्रार्थना ही नहीं करते, कुछ भी। जंगल में आग लगी, कृष्णा बुलाए गए, कुछ तक अघासुर आया, तृणवर्ता आया, ये अलग 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 राक्षसों में, कृष्णा के अलावा वो लोग कुछ जानते ही नहीं थे। कृष्ण जो बोला है उसे, तो ब्रजवासी ने, कृष्ण ने बोला है गोवर्धन का पूजा कर, तो सब लोग गोवर्धन का पूजा करते, वैभव से गोवर्धन का पूजा करते। तभी इंद्र देखता है, अरे इतने वर्षों से मेरे पूजा कर रहे थे, और ये भी ये छोटा बालक, इसने बोला कि मेरे, मुझे मान किया, मेरे यज्ञ को रोका के गोवर्धन का पूजा, चलो मैं इनको ब्रजवासियों को सिखाता हूँ, मैं उनको बराबर करता हूँ करके, ऐसा मुसलधार बारिश, वैसा बारिश करता है, बारिश करता है, जब भगवान सब लोगों को गोवर्धन के नीचे लेके जाके 7 दिन 7 रात, आप लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर्स के टिप ऑफ नेल के ऊपर गोवर्धन को पकड़ के ऐसा खड़ा रहता है, हाथी कुकुर मुत्ता को कैसे पकड़ा है, ऐसे हंसते हुए अपने अंगुली के ऊपर भगवान गोवर्धन पकड़ा है, और इंद्र ऐसा बारिश कर रहा है, बारिश कर रहा है, मगर वो गोवर्धन का एक घास को भी कुछ नहीं होता है, घास भी ऐसा हिस्सेदार रहता है, कुछ नहीं होता, इतना मुसलधार बारिश को एक करके पूरा वृंदावन को डुबा देता है, फिर कुछ नहीं होता है उसका, फिर तभी उसको मालूम पड़ता है, अरे ये छोटा बालक कोई नहीं, वो भगवान भगवान है, तो उसको अपना गलती का मालूम पड़ता है, तभी वो क्षमा याचना मांगने के लिए सुरभि गाय को लेके आके वृंदावन में आके भगवान से प्रार्थना करते, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही सब कुछ हो करके, तभी भगवान बोलते हैं नहीं, आपका पिता मैं नहीं हूं करके, ये भागवत में सुंदर ढंग से बोलती है, ये हम लोग देखते हैं। शिवजी रहने दो, इंद्र रहने दो, अलग अलग देवी देवता रहने दो, किसी को ये स्वतंत्रता नहीं है, भगवान उनको परमिशन देगा तो ही वो करे। हम लोग देख, प्रभुपाद जी का एक उदाहरण में आता है, ये देवी देवता लोग क्या है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके पास जो भी आते हैं ग्राहक आता है उनको देते हैं जो चाहिए, एक छोटा सा लड़का आके उसको 10 रुपए नोट देके वो व्यापारी को बोलता है मुझे सिगरेट दे दो, तो देता है व्यापारी, देता है, क्योंकि उसको ये नहीं मानता है ये क्या करेगा वो नहीं, मगर भगवान परमात्मा हमारे पिता है, वो पिता जो भी देते हैं उनको देखेगा, देख के इनका भलाई किसमें है उसको ही देते, मगर ये देवी देवता उन लोग बोले नहीं दे रहे, हम लोग क्या मांगते हैं वो तुरंत दे दे, क्यों, उनके पास उतना भगवान की कृपा से उतना ही स्वतंत्र रहता है, वो भी भगवान की कृपा के कारण उनको उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, फिर अगर वही हम लोग जो भगवान की कृपा को गलत इसमें हुआ तो उसका भी दंड मिलता ही है, जो वही बच्चा जब ये वो सिगरेट पैक लेके आता है तो बाप को मालूम पड़ता है, तो बाप क्या करता है उसको पकड़ के मारता है, वैसे ही भगवान हमेशा हमारे अंदर बाहर रख के हम लोग को ऐसे रक्षा करते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, इनको भगवत धाम लेके जाने का, भगवत धाम लेके जाने का एक ही उनका इच्छा रहता है, ये मेरे धाम में रहने वाले बच्चे बिछुड़ के इधर आए, उनको वापस भगवत धाम जाए, इसके लिए हमेशा सभी के सभी ऐसे भगवान के लिए सभी समान, शत्रु वो सभी समान है, असुर रहने दो, भक्त रहने दो, समान है सभी रहे, पर जो उनकी शरणागत जो है, भगवान के जो शरणागत जो है उनको ऐसे रक्षा करते हैं, ये हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन में हम लोग देखते हैं, उनको जहाज में जाते हो, कार्गो शिप में जाते हो, तो उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, तो भगवान उनको दर्शन देके, मेरे लिए जा रहे हो, मेरे कार्य के लिए जा रहे हो, अब डरो मत करके बोले, हर वक्त प्रभुपाद जी भगवान के सामने खड़े रह के प्रार्थना करते थे, हम लोग देखते किस तरह भगवान रक्षा करते, ये जो भगवान का जो नाम ले रहे हैं, जो भगवान का जो सेवा में लगे रहे, उन लोगों को सबके लिए ये एक्सपीरियंस है, जो महात्माओं के शरण में जाके भगवान बता रहे ना, जो भी मेरा नाम लेता है उनका मैं
रक्षक। ओम, जो भी उनको चाहिए वो मैं देता हूँ, उनके पास जो भी है उसका रक्षा करता हूँ, ठीक है, मेरे शरण में आने चाहिए। भगवान के लिए सभी असुर और सभी सभी यही है, मगर जो भगवान के भक्त रहते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा हो प्रेम कर। ऐसे हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते हैं ना, जो भी माता पिता का दो बच्चे, दो या चार बच्चे हैं, तो उनको कौन माँ बाप का आज्ञा का पालन करता है, माँ बाप बोलता है वो सुनता है, उनको ज्यादा प्यार करते हैं। जो माँ बाप का सुनता नहीं है उसको पिटाई करके उनको भी सही रास्ते में लाने के लिए कोशिश करते हैं, पर जो माँ बाप का आज्ञा का पालन करता है उनको ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भगवान जो उनके शरण में आए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनका रक्षा करते हैं। जो भी भगवान का नाम ले रहे हाँ, जो भी भगवान का सेवा में पूरा लगे हुए अपने सर्वस्व को भगवान की सेवा में निछावर कर दिए, ऐसे भक्तों को वो कभी नहीं छोड़ते, वो उनका हमेशा उनका रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे रहते। जब भी हम लोग प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद कितना छोटा बालक था फिर भी वो उसका असुर बाप, उसके पास सब कुछ है, शक्ति है, धन दौलत सब है, स्वर्ग से सब सब देव देवताओं को अपने घर में नौकर बना के रखा है, इसे महान असुर हिरण्यकश्यप उसने तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी का तपश्चर्या, ऐसे तपश्चर्या किया है ने? साधारण लोग कर नहीं सकते, वैसे एक पाँव के ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्माय नमः हजारों बरस तपस्या की, और ऐसा स्थिति हुआ उनका पूरा चींटी उनके मांस खा के पूरा पूरा हड्डी दिख रहा है ऐसा पूरा पूरा, और उसके ऊपर एंटील सब बन गया, और वो दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी को बुला रहे। उनकी तपस्या से सभी बाकी देवी देवताओं को तकलीफ हो जाता है, वो लोग सब लोग भाग के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी आपको कोई भक्त आपके लिए तपश्चर्या करे आप जाओ जाओ, क्योंकि उनके सिर से जो आग निकल रहे वो सब ऊपर के लोगों को उनको उससे गर्मी से तकलीफ हो रहा था, इसके लिए वो लोग ब्रह्मा जी को बोलते आप जाइए जाइए। तो ब्रह्मा जी आते उनके ऊपर पंखामंडल से पानी छिड़काते, और पुत्र क्या चाहिए, किसके लिए आप तपश्चर्या कर रहे हो मांगो। तो हिरण्यकश्यप क्या मांगते हैं, मुझे अमर होना। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं मैं अमर नहीं हूँ, मैं भी मुझे एक काल में मुझे भी नष्ट होना पड़ता है, मैं अमर नहीं हूँ, मैं उसको आपको वर नहीं दे सकता। तो अलग 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 करते बहुत अलग अलग ढंग से हिरण्यकश्यप वर मांग उसको मांगते हैं, मुझे सुबह नहीं मरने का, रात को नहीं मरने का, देवी देवताओं से मरने का नहीं, मनुष्य से मरने का नहीं, अस्त्र शस्त्र से मरने का नहीं, ऐसे अलग 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 तरफ से उसे मांगते, वो अलग अलग तरह से मांगने के बाद सबको तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी आते। फिर ब्रह्मा जी का ये समस्या को हल करने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार में आना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बोलते ना, किसके लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्यानम सज्जामय परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान बोलते भगवत गीता में, जो भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेगा तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये जो भी हमें प्राप्त है सुख संपत्ति एक क्षणिक है, नश्वर है, मगर जो भगवान का भक्ति है शाश्वत है, इसको हम लोग जान लेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जो भाई भगवान नरसिंह रूप में आके असुर को मार देते, उसका वैभव सुख संपत्ति एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जब हिरण्यकश्यप वध होने के बाद नरसिंह भगवान प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद मांगो मांगो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो प्रहलाद बोलते हैं मुझे कुछ नहीं है, मेरे सामने मेरे पिताजी का इतने वैभव साम्राज्य था, एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया, मैं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे आप ऐसे वरदान देना चाहते हो तो
शुद्ध भक्तों के चरण रज से मुझे अभिषेक करना है, यानी शुद्ध भक्तों की मुझे सेवा करना है, ऐसे वर दे दो। ये तो शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो भगवान के पार्षद रहते हैं, भगवान का सब गुण उनके अंदर रहते हैं। ये हम लोग इस इस्कॉन में जो जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको मालूम पड़ता है, वो लोग समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक ऐसे बड़ा घर बना है और सभी लोग उसमें रह सकते हैं। और मंदिर जो है क्या है, हॉस्पिटल, मंदिर में जाके हम लोग को जो हम लोग बहुरोगी है हम लोग भौतिक दुनिया में, हम लोग इस बहुरोग को दूर करने के लिए दवाई चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम एव केवल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही एक मंत्र हम लोग को भगवत दान जाने का मार्ग को दिखाने वाला मंत्र है। बाकी किसी का भी हम लोग, किसी देवी देवता रहने दो, किसी का भी हम लोग शरण में जाए दो, तो हम लोग वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रह गए, वापस कभी हमें मनुष्य जन्म मिलेगा उसका भरोसा नहीं। ये मनुष्य जन्म एक क्षणिक है। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है और क्षणिक है, पर अगर हम लोग, हमें जो स्वतंत्रता भगवान ने दिया है वो एकदम किंचित स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता का उपयोग हम लोग भगवान की भक्ति करने में, भगवान को समझने में, भगवान की सेवा में लगाए तो हमारा उद्धार हो जाए। अगर हम लोग की स्वतंत्र, हमारे अंदर भी जो स्वतंत्रता है उसको हम लोग दुरुपयोग करें, इंद्रिय तृप्ति में लगाए तो हम लोग को वापस इस भौतिक दुनिया में चक्र में आता रहना पड़ेगा। हमेशा सभी साधु गुरु शास्त्र यही बता रहे हैं, भगवान के शरण में रहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रहिए, गुरु के आज्ञा का पालन करो। इस सब गुरु साधु और शास्त्र तीनों एक ही बोल रहे, इसके लिए जो एक विधि विधान है, इसके लिए भगवान ने पहले से ही मनुष्य यानी मनु की जो विधि विधान बना है उसको पालन करने वाले मनुष्य है। उस भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बना के इस सब विधि विधानों का पालन करने का करके उन्होंने पहले से ही रूल बनाया, और जो इस सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, सभी जो वेद शास्त्र जो है भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, भगवान के द्वारा ही आया। और ये नियम नियम को हम लोग को पालन करना है। मनुष्य 84 लाख में योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि, हम लोग अगर हम लोग भगवान ने बताया हुआ विधि विधानों पर पालन नहीं करेंगे तो हम दो पाल वाले पशु ही बने, पशु में और हमारे में कुछ अंतर नहीं। इस शास्त्र द्वारा भागवत अंदर इतने सुंदर ढंग से हम लोग को आंखें खुला कर रहे हैं तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ये सब पढ़ते 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 ना, जब मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम बजिया, जानिया सुनिया विशाखाय नो हरि हरि, विफल है जन्म को नाय, भजन गाते। और इतना सुंदर ढंग से इसमें बताए स्वतंत्रता, कोई स्वतंत्र नहीं, एक सिर्फ परमात्मा भगवान, भगवान ही स्वतंत्र है, भगवान के अलावा, भगवान को एक स्वराट बोलते ना, भगवान कुछ भी कर सकते। हाँ, मुकम करोति वाचालम पंगु लंगते गयते गिरी, कुछ भी कर सकते हैं, गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पार कर, नहीं वो स्वराट है, कुछ भी कर। मगर हम लोग सब लोग क्या है, नाक में रस्सी डाला हुआ हम लोग बैल के समान है, भगवान के आज्ञा के अनुसार हम लोग को चला, और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना है, अवश्य रक्षित गुरु के शरणों में हम लोग को समर्पित होना चाहिए। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत जय श्री भगवान महाराज जी।